सो क्लास दिस इज अ न्यू टॉपिक, ठीक है ना। अभी जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ठीक, लॉस ऑफ मोशन, उसी के अंदर है हॉर्स एंड कार, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले वन थिंग आई मस्ट क्लियर टू यू दैट डोंट जज माई डायग्राम, है ना। मेरा डायग्राम बहुत गंदा रहता है, उसको जज मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है ना। हॉर्स, अब देखो हॉर्स एंड कार्ट मोशन में क्या होता है। हॉर्स क्या करता है, आगे की ओर चलना है, तो फोर्स कैसे लगा रहा है, फॉरवर्ड मोशन है उसका, ठीक है। कार्ट क्या करेगा, बैकवर्ड, उस पर फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। हॉर्स के द्वारा फोर्स उसमें फॉरवर्ड लगेगा, लेकिन कार्ट क्या करेगा, पीछे की ओर डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑब्वियसली, है ना, बट पीछे की ओर करेगा, ठीक। अब इसमें हम लोग सबसे पहले एक एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे, हॉर्स को, कार्ट को, फिर एक कंप्लीट सिस्टम वी विल कंसीडर द हॉर्स कार्ट एज अ सिंगल सिस्टम, देन वी विल डिराइव द फॉर्मूला, ठीक। एक्सेलरेशन का निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए करते हैं, कार्ट के लिए, ओके। इसका डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा, इसमें कार, ठीक है ना, बैलगाड़ी होता है, वैसे ही घोड़ा गाड़ी होता है, वही है, ठीक। ये कि स्ट्रिंग अटैच है, किससे अटैच है, तो हॉर्स से, तो हॉर्स कैसे बनेगा, ऐसा समथिंग, चार पैर है, एक दो तीन चार, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले इसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक। लेट अस से द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स ड्यू टू विच द टेंशन जनरेटेड इन द रोप विच इज अटैच टू द कार्ट, कार्ट इज टी, द वेट ऑफ द कार्ट इज लेट अस से डब्ल्यू, ठीक, विच इज एक्टिंग ऑब्वियसली, इट विल एक्ट डाउनवर्ड, ठीक, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ इस पे एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, दिस इज आर। ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देर विल बी अ फोर्स, दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेट अस डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, ठीक, स्मॉल एफ से कर लो, कैपिटल एफ से कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग वी विल राइट द वेरियस फोर्सेस विच आर इन्वॉल्व। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज़ तो हम लोगों ने किया नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, एक्सेलरेशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लिख लेते हैं, इंटरनल तो अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ऑफ किसका, टोटल मास, टोटल मास जो बात कर रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेटिंग बॉडी, ध्यान रखना है, एक्सेलरेटिंग बॉडी, टोटल फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, जिस बॉडी पे, वो बॉडी का कितना एक्सेलरेशन आया, ठीक है ना, उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन आया दैट इज, ठीक है, और जिस बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी का टोटल मास, ठीक। अब सबसे पहले आपने वेरियस फोर्सेस में, वेरियस फोर्स, पहला व्हाट इज द फर्स्ट फोर्स विच वी कैन इजिली सी, ठीक है ना, दैट इज द मास और द वेट ऑफ द कार, ठीक, वेट ऑफ कार्ट, लेट अस सी इट इज डब्ल्यू, यहाँ पे डिनोट करके रखे हैं हम लोग, ठीक है। अभी कैसा एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नाउ वी कैन सी दैट दिस वेट ऑफ द कार्ट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाई द नॉर्मल रिएक्शन। सो हम लोग क्या लिखे, वेट ऑफ द कार्ट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाई, इज बैलेंस्ड बाई नॉर्मल रिएक्शन
नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन दो जगह आएगा तो लेट अस राइट इट आर सी, है ना, रिएक्शन बाय अर्थ। एंड अब देखो मोशन में ये कुछ हेल्प कर रहा है क्या, ये अगर हॉरिजॉन्टल लगता या किसी एंगल पे लगता तो कंट्रीब्यूट करता मोशन में, लेकिन बिकॉज इट इज एक्टिंग वर्टिकली सो इट इज इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ कार, ये भी लिख लेते हैं, एंड दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट, दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन हॉरिजॉन्टल, कंट्रीब्यूट एनीथिंग एनीथिंग टू हॉरिजॉन्टल मोशन, ये मेंशन मैं कर दे रहा हूं बेटा यहां, है ना, आपको भी समझ लेना है कि ये कुछ भी हॉरिजॉन्टल मोशन पे कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, जीरो, किस केस में, हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में। ओके, अब दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है इस पर ध्यान दीजिए, पीछे की ओर, और एक कौन सा लग रहा है, सामने, टेंशन फोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल टी, दिस टेंशन, दिस इज जनरेटेड बाय द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द हॉर्स, एक्टिंग ऑन द कार बाय हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेट मी रिफिल माय पेन। नेक्स्ट इज, ये दो हो गए बेटा, ये टेंशन सामने की ओर, ठीक है, ये आपका नॉर्मल, ठीक, रिएक्शन एंड वेट, एंड थर्ड इज द फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड वेट कैन सी इज द फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स F acting in the wheels, acting on the wheels in horizontal, F acting on the wheels in horizontal in backward direction, इन हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं, इन हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिख लीजिए नेट एक्सटर्नल फोर्स, सी इफ द कार इज मूविंग फॉरवर्ड देन ऑब्वियसली टी इज मोर देन एफ, एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ, टी माइनस एफ, ठीक, टोटल मास कितना है, डब्लू, या लेट अस से द मास ऑफ द कार इज एम सी, ठीक है ना, मास बोला है ना कि वेट बोला है, देयरफॉर एम सी, है ना। तो एक्सेलरेशन अपना कितना आया, नेट एक्सटर्नल फोर्स टी माइनस एफ डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द एक्सेलरेटिंग बॉडी। अब इसमें एक्सेलरेट कौन क्या कर रहा है बेटा, काट कर रहा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ काट का स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज डिवाइडेड बाई एम सी, ठीक है, ये आ गया आपका, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के रख ले रहा हूँ, एम मल्टीप्लाइड बाई ए, दैट इज ए एम सी इक्वल्स टू टी माइनस एफ, इक्वेशन फर्स्ट, ये भी काम आएगा आगे, इसलिए अलग से इसको लिख के रख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो समझ आ गया, बहुत सिंपल कार्ड है, फोर्स इज अप्लाइड बाय द हॉर्स एंड दिस फोर्स इज ट्रांसफर टू द स्ट्रिंग, सो अ टेंशन इज डेवलप्ड ऑन द स्ट्रिंग, लेट अस से इट इज टी, लेट द मास ऑफ द कार्ड इज एम सी, ड्यू टू दिस मास देयर इज अ वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड,
ड्यू टू विच देयर इज अ रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ और बाय द सर्फेस ऑन विच द कार्ट इज कैप्ट एंड दैट इज आर सी. सिंस इट इज मूविंग ऑन अ सर्फेस सो लेट अस अज्यूम देयर इज अ फ्रिक्शन. ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है पीछे की ओर, दैट इज एफ. क्लियर, उसके वजह से जो हमारा ये आया. ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं. ठीक, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द हॉर्स. ठीक है, यह कार्ट का हो गया, अब हॉर्स पर चलना है. ओके, सो नाउ अगेन देयर विल बी डायग्राम. ये अपना कार्ट हो गया, छोड़ दीजिए बाकी चीजें, ये टेंशन जो काम का है, देन हॉर्स. ठीक, अब जैसे कि हम लोग कह रहे कि वाइल वॉकिंग, ठीक है ना, तो हम लोग फोर्स बैकवर्ड अप्लाई करते हैं और उसको अपने को रिएक्शन मिलता है. ठीक, लेट अस सी, इसको एक इसमें ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ हॉर्स का, है ना. ये हॉर्स ने इसको एक फोर्स से अप्लाई किया, किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन पे, जिसका रिएक्शन मिला अपने को ये. एंड लेट अस सी दिस फोर्स विच इज एक्टिंग इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. ठीक, अब इसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे रिएक्शन का, दिस विल बी आर कॉस थीटा एंड अनदर विल बी आर साइन थीटा. हॉर्स का खुद का मास है, वो नीचे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वेट, ठीक है ना, एम एच हॉर्स, मास ऑफ हॉर्स. ठीक है, ये इसका वेट ऑफ हॉर्स एच लिख लेते हैं. इसकी वजह से एक रिएक्शन मिला, लेट अस से दिस इज आर एच. अब देखिए वेट और रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, आर कॉस थीटा. अब हम लोग आगे का डेरिवेशन करते हैं. अब अगेन वी विल फर्स्ट राइट व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस विच आर एक्टिंग हियर. ओके ओके, नाउ वी विल राइट द वेरियस फोर्सेस. फर्स्ट वेट of horse, WH, this is balanced by the normal reaction, और वो कितने के बराबर आ रहा है, R sin theta, acts, ये कैसा act कर रहा है ये भी लिख लेते हैं, acts vertically downward. Okay, second is the normal reaction. So reaction are exerted by earth and this is equals to WH and is balanced by R sin theta. किस component का बेटा, देखो ये reaction मिला, इसका दो component है, एक R sin theta, एक R cos theta. आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है तो ये बैलेंस कर दिया डब्ल्यू एच को. ठीक है ना, और ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल मोशन को. तो हॉरिजॉन्टल मोशन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, आर कॉस थीटा, ये ध्यान रखना है. ठीक है ना, डब्ल्यू एच आर साइन थीटा विच बैलेंसेस, विच बैलेंसेस द वेट of horse and R cos theta acts in horizontal direction. और ये कैसे act कर रहा है हमारा horizontal direction में. ठीक, कौन सा component ध्यान रखना है, R cos theta not R sin theta, है ना, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा रहेगा. डायरेक्ट एक बार मैं कर दिया हूँ, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट इज थर्ड फोर्स. ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द हॉर्स. कार्ट हॉर्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, टेंशन फोर्स ऑन द हॉर्स टी विच एक्ट्स
along the horizontal direction. ये इसको कंप्लीट लिखते हैं. हॉरिजॉन्टल कैसा है? बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, विच एक्ट्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन. अब वही चीज करेंगे जो पहले किए थे. क्या किए थे पहले भी हम लोग? हम लोग क्या किए थे? हम लोग नेट फोर्स निकाल थे. यहां में निकालेंगे नेट फोर्स. ठीक है, ध्यान देना है. ये तो बैलेंस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल मोशन में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. हॉरिजॉन्टल मोशन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आर कॉस थीटा एंड टेंशन. अगर ये आगे मूव कर रहा है, इट मींस दैट आर कॉस थीटा इज मोर देयर फॉर आर कॉस थीटा माइनस टी. ठीक, अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी. यहां पर मास ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी क्या है? एम एच, दैट इज मास ऑफ फोर्स. सो आर कॉस थीटा माइनस टी बाई एम एच, ये आ गया. ठीक है ना, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स. नाउ व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? ओके, अब वो कैसा? हाँ, यहां से एक और निकाल लीजिए. इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका ए एम एच इक्वल्स टू आर कॉस थीटा माइनस टी. This is our equation number second. Clear? Yes. इतना नोट कर लो फटाक से, पहले फिर आगे के बताता हूं. ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा मेरा मोशन ऑफ हॉर्स एंड मोशन ऑफ कार. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, वी विल कंसिडर हॉर्स एंड कार एज अ सिंगल सिस्टम. अब हम लोग अलग अलग लेके किए, अब सिंगल लेके करेंगे. ओके, डस्ट चाय भी टूट गया आज, बहुत अच्छा. हाँ, हॉर्स एंड कार टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम. टुगेदर एज सिंगल सिस्टम. तो हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पे जो नेट बैकवर्ड फोर्स एक एफ लग रहा था, ये टेंशन था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. फिर हॉर्स था जिसके वजह से एक ऊपर आया था आर साइन थीटा और ये आया था आर कॉस थीटा. नीचे जो था वो हटाइए, तो वर्टिकल हम लोग इसीलिए नहीं लिख रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द मोशन. ठीक, अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स, तो सिंपल हो गया आर कॉस थीटा माइनस पीछे की ओर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास. नेट मास क्या है? मास ऑफ कार प्लस मास ऑफ हॉर्स एम सी प्लस एम एच. ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन. अब यही चीज अगर आप नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, सेम फॉर्मूला देखो, ये जो एक्सेलरेशन है यही वैल्यू, ये भी है, ये भी, ऑल आर सेम. ठीक है, सभी एक्सेलरेशन सेम है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि हॉर्स और कार्ट एक ही रस्सी से जुड़े हैं लेकिन हॉर्स का अलग एक्सेलरेशन होगा और कार्ट का अलग. नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. इट मीन्स ऑल द एक्सेलरेशन आर सेम. बट इफ यू वॉन्ट, ठीक है ना, तो अपने को तीन फॉर्मूला मिल गया. एक फॉर्मूला मिला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टी माइनस एफ बाई एम सी. एक है अपना एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर कॉस थीटा माइनस टी बाय एम एच और एक मिल गया ये. अब इस, ठीक है ना, तो ये अपने को तीन और तीनों क्या है आपका सेम है. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, देन हाउ यू विल कैलकुलेट? जस्ट एड द टू इक्वेशन ए एम सी प्लस एम एच. ए विल बी टेकन आउट. टी माइनस एफ प्लस आर कॉस थीटा माइनस टी कैंसल आउट. So A equals to R cos theta minus F by MC plus MH. ये derivation आपको अगर करना है, ये अगर लाना है, तो आप चाहो ये अलग अलग consider कर लीजिए. ठीक है ना, दोनों को add कर दीजिए या फिर जैसे यहाँ पे किए हैं वैसा. ठीक है ना, but most favorable will be to get 100% marks in your exam. ठीक है ना, पहले individual कीजिए फिर दोनों को add कर दीजिए, आ जाएगा. ठीक है ना, in terms of MC and टेंशन के टर्म्स में रहता तब हम लोग और करते, लेकिन टेंशन के टर्म्स में नहीं पूछा है, कभी पूछना भी नहीं है. ठीक,
सो आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड द क्लास. ठीक है, सो लेट अस वाइंड अप दिस क्लास एट दिस पॉइंट. ये टॉपिक मैंने अलग से इसलिए पढ़ाया बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना. ट्रिकी ऐसा है कि देख के डर लगता है नहीं, लेकिन देख के लगता है, डरने की बात नहीं, सिंपल है. ठीक, आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड द क्लास. कीप रीडिंग द बुक ऑलवेज. क्लास अटेंड करने से पहले बुक रीड कीजिए, क्लास एंड होने के बाद बुक रीड कीजिए. ठीक है, डू प्रिपेयर द नोट्स, इट विल हेल्प लॉट इन योर एग्जाम. चलिए, गुड नाइट.